या देवी सर्वूतेषु बुद्धि रूपेण संतिस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ सोमेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव। सबसे पहले आप सभी को एटीएन परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो आज बसंत पंचमी है, जगह जगह माँ का दरबार लगा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं सिवान जिले के कैरा ताल गाँव में, जहाँ पे माँ का आगमन यहाँ के भक्त बहुत ही जोर शोर से किए हुए हैं और माँ शारदे साक्षात विराजमान हो चुकी है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा वो नज़ारा भी दिखाएं माँ का, कि कैसे यहाँ पे भक्त माँ के डोला डोला रहे हैं वहाँ पे एक भक्त और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वैसे कहा जाता है कि अगर आप सच्चे भारत की तस्वीर देखना चाहते हैं तो आप कैरा ताल गाँव में आकर देख सकते हैं, आपको खुद अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, सच्ची भारत की तस्वीर सिर्फ और सिर्फ कैरा ताल में ही मिलेगी। क्योंकि इस गांव की एक खासियत है कि आज तक जो भी त्यौहार मनाए गए हैं, चाहे हिंदू हो के हों या मुसलमान के हों, दोनों कौम के लोग एक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सकलदीप कुमार। आप सरस्वती पूजा आप लोग मना रहे हैं, कितने दिनों से आपकी तैयारियां चल रही थी? हम लोग तैयारियां बहुत जोर शोर से चला रहे थे दस दिनों से। और कितना उत्साह रहता है आपको सरस्वती पूजा की ले करके? हम लोग जोर शोर से तो उत्साह रहता ही है। हम लोग जवान नौजवान लड़के रहते हैं, इनका तैयारियां जोर शोर से करते हैं। एक विद्या की देवी होने के नाते छात्र भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव और अपना एक क्या आप एक तरह से कहें तो अपना एक आस्था छात्रों का इस त्यौहार से जुड़ा हुआ है। या हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बातें करते हैं। जी नाम बताएंगे अपना। जी मोहम्मद फिरोज आलम। आप क्या कहेंगे आप इस ऐसे तो त्यौहार में आप पहुंचे हुए हैं और मना रहे हैं, क्या कहेंगे? जी सच्चे भारतीय होने के नाते हम लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमारे गांव में बहुत जोरों उल्लास से पर्व मनती है। या हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम लोग सारे जोर शोर से हम लोग पर्व मनाते हैं और 10 दिनों से सब लोग मिलजुल के अपना ये बसंत पंचमी का हम लोग तैयारी कर रहे थे और सारे मिलजुल के हम लोग आज बसंत पंचमी है, हम लोग सारे जोर शोर से मना रहे हैं। कितना उत्साह रहता है इस बसंत पंचमी को लेकर के? थोड़ा आप इधर आ जाइए। लेकर क्या कई दिनों से आपको इंतज़ार रहता है कि ये करेंगे वो करेंगे ये सजाएंगे? बहुत सारे उल्लास रहता है हम लोगों में, सारे जितने भी बच्चे हैं, गांव के नौ युवक हैं, सब लोग मिलजुल के अपना ये बसंत पंचमी मनाते हैं। एक तरह से देखा जाए कि बहुत लोग दंगा भड़काने या हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन शक्तियों को आप क्या कहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे आपके गांव की तस्वीर है, एक सच्चे भारत की तस्वीर है, उनको आप क्या कहेंगे? हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब लोग एकजुट हो के सारे चीज़, या मुहर्रम हो या ईद हो या बकरीद हो या होली हो या बसंत पंचमी हो या कोई भी त्यौहार मनता है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है और सब लोग मिलजुल के रहते हैं गांव में, प्रेम भाव से रहते हैं। बहुत मतलब हमारे गांव में सब एजुकेटेड लोग हैं और सब अच्छे लोग हैं और सब एकजुट होके और मिलजुल के काम करते हैं। तो देखा आपने कैसे ये इस गांव के लोग मिलजुल कर एक साथ हर एक पर्व को मनाते हैं। वैसे तो ये उन लोगों के लिए तमाचा है, उन लोगों के लिए बहुत ही कड़ा तमाचा है जो हर पल समाज को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम या अन्य चीज़ को लेकर के देश को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे ही हम आपको अन्य जगहों से माँ शारदे का कैसे दरबार सजा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एटीएन लाइव के लिए अरुण के साथ सोमेश सिंह की रिपोर्ट।